आल पाकिस्तान वडानी इतिहाद के ज़ेर एहतमाम मेंबर बस्ती साजिद वडानी चोटी जेरी में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर रहमत रजा शहजाद मोहसन, सरदार गौहर खान वडानी, वडेरा मंजूर अहमद ने खसूसी शिरकत की। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे इमरान अली खोसा। आल पाकिस्तान वडानी इतिहाद के ज़ेर एहतमाम चोटी जेरी की मेंबर बस्ती साजिद हुसैन वडानी में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें आल पाकिस्तान वडानी इतिहाद के रहनुमा सरदार गौहर खान वडानी, डॉक्टर रहमत रजा, शहजाद मोहसिन वडानी और वडेरा मंजूर हुसैन ने खसूसी शिरकत की। इस मीटिंग में शुरका से खिताब करते हुए प्रोग्राम के मेजबान मेंबर साजिद हुसैन वडानी का कहना था कि चोटी जेरी में हमारी वडानी बरादरी का इतिहाद हमारी कामयाबी है। हम सब भाइयों ने मिलकर अपने नाराज भाइयों को राजी करना है। हमारा इतिहाद अच्छी सोच पर मबनी है। इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। मेंबर बस्ती साजिद वडानी से बुजुर्ग रहनमा जिंदवड्डा ने कहा कि हमारा इतिहाद जरूर कामयाब होगा। कोई भी काम नामुमकिन नहीं। अगर किसी भाई को मनाना हुआ तो मैं अपना किरदार अदा करके उसे मना लूंगा और उसे अपने इतिहाद में शामिल करके साथ चलेंगे। लाल हुसैन का कहना था कि असल भाई वो होता है जो हर दुख और मुसीबत में भाइयों के साथ खड़ा हो। हमें माजी की सारी रंजिशें भुलाकर आगे बढ़ना होगा और अपने नौजवानों का साथ देना होगा। गुलाम रसूल का कहना था कि तमाम भाइयों को बराबरी की बुनियाद पर साथ लेकर चलेंगे। हम बुजुर्गों के दिल नर्म हैं। हम अपने नौजवानों के इतिहाद में खुश हैं। मीटिंग के शुरका से गुलाम शबीर वडानी का कहना था कि असल इज्जत वो होती है जो दिल से की जाए। अब हम अपने इतिहाद के साथ खड़े हैं और किसी की धूस में नहीं आएंगे। आशिक खान वडानी ने कहा कि जब किसी भाई का कोई मसला हो अपने भाई मिलकर उसका साथ देंगे। अगर हमारा कोई भाई गलत है तो इतिहाद के सरबरान उसे रोकेंगे ताकि भाइयों के दिल में मजीद एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज्जत पैदा हो। डॉक्टर रहमत रजा ने सब भाइयों को पैगाम मोहब्बत देते हुए कहा कि अब हम सब भाइयों को साथ लेकर चलेंगे। इतिहाद के नौजवान रहनुमा शहजाद हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि माजी की उलझनों से निकलकर आप अपने मुस्तकबिल का सोचें। अगर हम माजी की उलझनों में रहे तो इसी तरह महरूमियों में रहेंगे। इस मौके पर वडेरा मंजूर हुसैन का कहना था कि मेरी तजवीज़ पर ही आज का प्रोग्राम हुआ है। हमने शहजाद खान, डॉक्टर रहमत रजा और गौहर खान वडानी को मशवरा दिया था कि पहले हम बस्ती बस्ती जाकर प्रोग्राम करेंगे, इसके बाद चोटी के मरकज का तयन करेंगे। इस मीटिंग के शुरुआत से सरदार गौहर खान वडानी ने कहा कि इस इतिहाद से हमें अपने भाइयों से मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। आज इस इतिहाद के जरिए जो रابطے कायम हुए हैं उन्हें अपनी जिंदगी का सरमाया समझता हूं और इंशाल्लाह भाइयों को किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं आप सबको इतिहाद की कश्ती में सवार होने की दावत देने आया हूं। इंशाल्लाह हमारा इतिहाद हो जाएगा, हर मैदान फतह करके दिखाएंगे। इस मीटिंग के बाद नियाज अहमद वडानी के कमसन बेटे की वफात पर ताजियत भी की गई। इसके बाद बस्ती मोहम्मद बख्श का विजिट भी किया गया, जहाँ पर मोहम्मद बख्श, नवाज खान, मकसूद अहमद, मोहम्मद आसिफ ने अपनी बरादरी के हमरा आल पाकिस्तान वडानी की बिला मशरूत हमायत का ऐलान किया। इमरान अली खोसा, ARG न्यूज़, डेरा गाजी खान।